नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 19वीं सीरीज है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर असुविधा होती है डाउनलोड करने में तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल है चार्जेबल है और जो भी मटेरियल है बेहतरीन है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग मैसेज करेंगे, वैसे मैसेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अगर असुविधा होती है तभी आप मैसेज कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, कुछ लोगों को दिक्कत है कि छोटे छोटे वीडियो डाले जा रहे हैं 10-15 मिनट के, कुछ लोगों को यह कहना है कि एक घंटे से ऊपर का वीडियो हो और बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं टॉपिक टू टॉपिक एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। जैसे आपका वैदिक काल चल रहा है तो वैदिक काल का जैसे ही कंप्लीट होगा एक मास्टर वीडियो वैदिक काल का मिल जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मिल जाएगा, प्रागैतिहासिक काल का मिल जाएगा, इस तरह से एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट को भी फॉलो करते रहिएगा, बाकी जो 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी वीडियो चल रहा है इसको आप लोग बिल्कुल देखते रहें। देखिए प्रश्न 76 देखिएगा, यम और नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो यम और नचिकेता का जो वर्णन है यह किस में है? तो यह कठोपनिषद में है, कठोपनिषद में। और कठोपनिषद किसका भाग है? यह आपका कृष्ण यजुर्वेद का भाग है, पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 77 देखिएगा, ऋग्वेद के किस देवता को असुर उपाधि दी गई है? तो वरुण को असुर उपाधि दी गई है। प्रश्न 78 देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है, इनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है। देखिए आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है, कौन सा ऐसा देवता है जो तीनों में आते हैं? तो वह है अग्नि। ऋग्वेद मंडल का तीसरा प्रमुख देवता कौन है? वरुण है। इंद्र और अग्नि के बाद वरुण तीसरे प्रमुख देवता हैं, इन्हें ऋतस्व गोपा भी कहा गया है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी जो छूट जा रहा है जैसे मैं नहीं बोल पा रहा हूँ आप लोग पढ़ भी सकते हैं अपने हिसाब से। वरुण को ईरानी ग्रंथों में अहुरु मजदा कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी देवता कौन था? इंद्र था, इंद्र है, इंद्र हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंद्र हैं लिख देना चाहिए। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। प्रश्न 78 देखिएगा, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता है? तो जल देवता किन्हें माना जाता है? तो वरुण को जो है जल देवता माना जाता है। प्रश्न 79 देखिएगा, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होता है, कुभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा मतलब काबुल, कुरुमु मतलब कुर्रम, गोमती गोमल एवं सुवाल स्वास्थ्य नदियाँ अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख में स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। ये सभी प्राचीन नाम हैं। काबुल नदी का प्राचीन नाम जो है कुभा है, कुर्रम नदी का प्राचीन नाम जो है कुरुमु है, गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमती है। स्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? स्वात है। प्रश्न 80 देखिएगा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सूत्रदी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, ये नदियाँ हैं सरस्वती, विपाशा, पुष्करणी, वितस्ता, सिंधु, सूत्रदी और अश्विनी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सूत्रदी है। अश्विनी किसका नया नाम है? तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम जो था वह अश्विनी था। बाकी वितस्ता का झीलम, पुष्करणी, रावी, यह सब आप लोग जानते ही हैं। प्रश्न 81 देखिएगा, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अश्विनी के नाम से जाता है। NBS PGT परीक्षा 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। वैदिक काल में चिनाब नदी को अश्विनी के नाम से जाना जाता है, जबकि रावी नदी को पुष्करणी, सतलज नदी को सूत्रदी और झीलम को वितस्ता के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो विनिमय का लोकप्रिय माध्यम क्या था पूर्व वैदिक काल में? तो गाय। TGT परीक्षा 2002 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी, गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी, व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, गाय वस्तु विनिमय का एक लोकप्रिय माध्यम भी थी। प्रश्न 83 देखिएगा, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में जाना जाता था? तो वैदिक काल में निष्क को विनिमय का माध्यम भी जाना जाता था। निष्क एक आभूषण भी होता था जो गले में पहना जाता था। TGT परीक्षा 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार भी था और इसे विनिमय का माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाता था। प्रश्न 84 देखिएगा, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता का संबंध किससे है? होता का संबंध किससे है? देखिए ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें होता कहते थे, यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे अधवर्यु कहा जाता था, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। TGT परीक्षा 2002 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 85 देखिएगा,
प्रश्न 85, वात्खिल्य का संबंध किस वेद से है? वात्खिल्य का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। वात्खिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। देखिए साकल जो है, साकल, वात्खिल्य, वास्कल, यह तीन भाग में ऋग्वेद बटा हुआ है। और यह जो ये ऊपर का जो व्याख्या है, इसके माध्यम से आप लोग थोड़ा सा आराम से पढ़ भी सकते हैं पहुँच करके। देखिए साकल को 1028 सूक्त हैं कुले, कुल मिलाकर 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। 1017 सूक्त जो हैं साकल में हैं, 11 जो सूक्त हैं वात्खिल में हैं, और वास्कल में जो हैं 56 सूक्त हैं। प्रश्न 86 देखिएगा, चार वर्णों का उल्लेख प्रथम बार किसमें मिलता है? चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद पहली बार किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के दशम मंडल में। ऋग्वेद के दसवें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। न्यू प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षत्रज कहा जाता था, और जो कन्या जीवन भर कुमारी रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। प्रश्न 87 देखिएगा, पुरुष सूक्त भाग है, पुरुष सूक्त किसका भाग है? तो ऋग्वेद का दसवां मंडल जो है वहीं पुरुष सूक्त है, तो यह ऋग्वेद का भाग है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 88 देखिएगा, चार वर्णों का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो चार वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो दसवें मंडल में है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 89 देखिएगा, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के दसवें मंडल में। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 90 देखिएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो ऋग्वेद के दसवें मंडल में। और भी प्रश्न देख लेते हैं, चार पांच प्रश्न और देखते हैं। सबसे पहले चार आश्रमों का वर्णन आया यह उपनिषद है, तो चारों आश्रमों का वर्णन किसमें आया है? जावालो उपनिषद में। देखिए तीन आश्रम का जो वर्णन आया है छांदो उपनिषद में आया है, चारों आश्रमों का वर्णन जो आया है जावालो उपनिषद में आया है। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न 92 देखिएगा, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है? तो यह जावाल उपनिषद में है। पीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न यह पूछा जा चुका है। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, वाणिज्य एवं पशुपालन। तो पशुपालन ही पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल में वह अस्थायी रूप से थोड़ा बस गए थे, तो वह कृषि कार्य भी करने लगे। लेकिन पूर्व वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। प्रश्न 94 देखिएगा, देखिए गाय का उल्लेख ऋग्वेद में है 176 बार, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 94, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन शामिल नहीं था? तो प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ आदि था, लेकिन मूर्ति पूजा आदि वैदिक काल में नहीं होती थी। तो विकल्प सी जो है वह सही है। वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ पर आधारित था। इस काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। प्रश्न 95 देखिएगा, ऋग्वेद में उल्लिखित पड़ी संबंधित है, पड़ी किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है, विकल्प बी। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऋग्वेद में उल्लिखित पड़ी व्यापार वाणिज्य से संबंधित था, ये लोग पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। पड़ी एक प्रकार के व्यापारी होते थे जो पशुओं की चोरी करते थे। ऋग्वेद में एक अन्य प्रकार के व्यापारी ब्रिभु का उल्लेख है, जो दानशील होते थे। ये बढ़िया व्यापारी होते थे जो दानशील होते थे। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण और धातुकर्मी के लिए कर्मार शब्द का प्रयोग मिलता है। तांबे और कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द प्रयुक्त होता था। अयस्क को क्या कहा जाता था? तांबा और कांसा को अयस्क कहा जाता था। सोना के लिए हृदय शब्द प्रयोग किया गया है। सिंधु नदी के लिए हृदयी शब्द का प्रयोग मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी में सोना प्राप्त किया जाता था, तो सिंधु नदी को हृदयी कहा गया है। प्रश्न 96 देखिएगा, ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण है, निष्क किसका अलंकरण है? गले का, बताया हूँ, विकल्प डी। ऋग्वेदिक काल में निष्क एक आभूषण है जो गले में पहना जाता था। देखिए ऋग्वेदिक काल में तीन प्रकार के वस्त्र भी प्रचलित थे, नेवी, वास और अधिवास। नेवी जो होता था अंतः वस्त्र होता था, वास जो होता था शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था, और अधिवास जो होता था शरीर को ऊपर से ढकने वाला वस्त्र होता था, जैसे साल, चादर आदि होते हैं। प्रश्न 97 देखिएगा, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क क्या था? एक प्रकार का आभूषण था जो गले में पहना जाता था, और कभी कभी उससे वस्तु विनिमय का काम भी कर ले लिया जाता था। प्रश्न 98 देखिएगा, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का भाग था? तो गला का भाग था, बी। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक क्या था? पांचाल का जो प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था वह था प्रवाहड़ जबाली।
टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया यह प्रश्न है। उत्तरवेदी काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक प्रवाहज जबाली था। उत्तरवेदी काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। उत्तरवेदी काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान एवं आध्यात्मिक चिंतन से भी जुड़े हुए थे, जैसे विदेह के राजा जनक, कैके के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु। ये लोग दार्शनिक भी थे। प्रश्न 100 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेय जनपद का एक दार्शनिक शासक था? तो अशुपति जो थे वह कैकेय जनपद के एक दार्शनिक शासक थे कैकेय, और यह पीजीटी परीक्षा 2016 जीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।